हेलो एवरीवन मेरा नाम तुषार तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड आज की वीडियो में हम क्लास नाइन्थ की साइंस का जो चैप्टर है टिश्यू बायोलॉजी का ये सेकंड चैप्टर है तो टिश्यू चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू देखिए जैसे कि आप सब जानते हैं कि टिश्यूज़ को दो मेन कैटेगरी में, में बांटा जाता है या तो प्लांट टिश्यू या फिर एनिमल टिश्यू लेकिन जब बात आती है प्लांट टिश्यू की क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू है तो प्लांट टिश्यू की जब बात आती है तो इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी होती है उन सभी कैटेगरी को आज के वीडियो में हम एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने वाले चलिए एक फ्लो चार्ट तैयार करते हैं जिसमें सभी कैटेगरी को इंक्लूड किया जाएगा जो प्लांट टिश्यू के अंदर आती हैं क्लासिफिकेशन जब बात आती है ना प्लांट टिश्यू की तो यहां पर दो मेन कैटेगरी बनाई जाती हैं फर्स्ट मैरिस्टमैटिक टिश्यू मैरिस्टमैटिक जो टिश्यूज होते हैं उनको भी फर्दर तीन कैटेगरी में बांटा जाता है एपिकल मैरिस्टम लेटरल मेरिस्टम, इंटर कैलरी थर्ड नंबर पे, इंटर कैलरी ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी बनाई गई हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के अंदर आप इसको यहां पर इस तरीके से कनेक्ट करेंगे ठीक है तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू के अंदर तीन सब डिविजन किए गए हैं एपिकल मेरिस्टम लेटरल मेरिस्टम इंटर मेरिस्टम अब देखिए दूसरी तरफ परमानेंट टिश्यूज परमानेंट टिश्यूज ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ना इनके अंदर दो डिवीज़न किए जाते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज अब सिंपल टिश्यूज के अंदर भी तीन कैटेगरी होती हैं पेरन काइमा कॉलन काइमा और एक तीसरी कैटेगरी होती है स्क्लेर कायमा ठीक है स्क्लेर कायमा स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखिएगा तो पेरेंट कायमा कॉलन काइमा एंड लास्ट स्क्लेर कायमा ये तीन जो कैटेगरी हैं वो सिंपल टिश्यूज़ के अंदर है देखिए ये सब कैटेगरीज आपको मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कई बार क्या होता है हम टॉपिक्स पढ़ लेते हैं कि स्कलरन कामा का, का फंक्शन क्या होता है कहाँ ये पाए जाते हैं लिटल मेस्टम कहाँ होते हैं इंटर मिस्टम कहाँ है कौन सी कैटेगरी किसके अंदर आनी चाहिए ये हम भूल जाते हैं तो इस चीज़ पर भी शॉर्ट क्वेश्चन अरेज़ किए जाते हैं और आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं तो इसलिए ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में आने के चांस कम है ठीक है लेकिन पूरे चैप्टर को समझने में आपकी हेल्प करेगा तो चलिए अब आगे चलते हैं अब देखिए जो स्क्लेट कायमा है इसमें भी दो कैटेगरी बनाई जाती हैं फाइबर और स्क्लेट्स फाइबर्स ठीक है तो फाइबर्स और स्क्लेट्स ये स्क्लेर काइमा के अंदर दो कैटेगरी हैं अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स की तरफ कॉम्प्लेक्स में देखिए दो सेक्शन आते हैं फर्स्ट जाइलम एंड सेकेंड फ्लोएम ठीक है जाइलम के अंदर भी चार कैटेगरी हैं और फ्लोएम के अंदर भी चार कैटेगरी हैं ट्रैकिड्स वेसल्स ठीक है तो ट्रेकिड वेसल्स और नंबर थर्ड जाइलम फाइबर्स, पेरेंट का ही होना के अंदर आती हैं इस तरीके से आप इसे कनेक्ट कर देना फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ ठीक है ये चार कैटेगरी हैं, ये ज़ाइलम के चार कैटेगरी हैं। इसी तरीके से फ्लोएम के अंदर भी चार सेक्शन बनाए जाते हैं सीव ट्यूब कंपेनियन सेल सीव ट्यूब कंपेनियन सेल फ्लोएम इमा और लास्ट फ्लोएम फाइबर ठीक है तो ये चार कैटेगरी हैं फ्लोएम के अंदर ठीक और चार कैटेगरी हैं जाइलम के अंदर कनेक्ट कर लीजिए आप इसको इस तरीके से ठीक अब देखिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं जो क्लासिफिकेशन किया जाता है ना प्लांट टिश्यू का उसमें दो मेन कैटेगरी बनाई गई थी मरिस्टमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू मरिस्टमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू मरिस्टमेटिक टिश्यू को फर्दर तीन पार्ट में बांटा गया एपिकल मेरिस्टम लेटरल मेरिस्टम इंटर कैलोरी मेरिस्टम हालांकि ये पोजिशन के आधार पर नाम डले हुए हैं एपिकल अपेक्स पार्ट पर होता है लेटरल साइड बाय साइड होता है इंटर कैलरी मिडल सेक्शन में होता है इसको सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे किस टिश्यूज़ का क्या फंक्शन होता है ठीक है अब आते हैं चलिए परमानेंट टिश्यू पर। परमानेंट टिश्यू में दो मेन कैटेगरी हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ठीक सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर सबसे पहला पार्ट बनता है पैरन फिर कॉलन और थर्ड वन स्क्लन ठीक है ये तीन कैटेगरी हैं सिंपल टिश्यूज़ के अंदर ये सिंपल परमानेंट टिश्यू आप कह सकते हैं जो स्क्लेरन कायमा होता है इसके अंदर दो कैटेगरी बताई थी मैंने आपको इसके अंदर देखिए हमने दो डिवीजन किए हैं एक तो फाइबर्स और स्क्लेरिड्स याद रखिएगा स्क्लेरन कायमा के अंदर दो कैटेगरी हैं फाइबर्स और स्क्लेरिड्स दूसरी तरफ जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने दो मेन कैटेगरी बनाई जाइलम और फ्लोएम जाइलम के अंदर चार सेक्शन होते हैं इसी तरीके से फ्लोएम के अंदर भी चार सेक्शन होते हैं जाइलम के अंदर चार सेक्शन कौन से हैं ट्रैकिड्स वेसल्स जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरनकाइमा इसी तरीके से फ्लोएम के अंदर भी चार सेक्शन है फ्लोएम पैरनकाइमा फ्लोएम फाइबर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल तो आई थिंक आपको क्लासिफिकेशन जो होता है प्लांट टिश्यू का वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि देखिए मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग बताया ये टॉपिक एग्जाम में नहीं आता है लेकिन पूरे चैप्टर में करीब 45 परसेंट पार्ट प्लांट टिश्यू के द्वारा कवर किया जाता है अब प्लांट टिश्यू कई प्रकार के होते हैं मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि भाई फ्लोएम पेरेंट कायमा तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई फ्लोएम पेरेंट कायमा या कोई और पार्ट आपसे पूछा जा रहा है कि जाइलम फाइबर्स ये कौन सी कैटेगरी में प्लेस करनी चाहिए क्या ये सिंपल टिश्यू है क्या ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो इस चीज को क्लियर करने में आपकी मदद करेगा ये फ्लो चार्ट आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये फ्लो चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ थैंक्स